सो हेलो गाइस, क्या हाल है? कैसे हो आप सभी लोग? मैं तो एकदम बढ़िया हूँ, और आज तो कुछ ज्यादा ही बढ़िया हूँ क्योंकि आज हो रहा है बाहर बारिश। फाइनली इतने दिनों बाद आज बारिश हो रही है। इतनी गर्मी हो गई थी इधर बहुत ज्यादा, ठीक है, मैं तो परेशान ही हो गई थी यार गर्मी से। मतलब यहाँ आके भी मैं गर्मी फेस कर रही हूँ, जम्मू में आके भी, तो फिर क्या ही मतलब हुआ मेरा इधर आने का। मैंने सोचा था यहाँ पे ठंड वंड पड़ती होगी, यहाँ मजे करूंगी, बट यहाँ पे भी एज यूजल गर्मी। उफ, बहुत गर्मी थी यार इधर तो। यार पता है, इस मौसम में ना मेरा बिल्कुल भी पढ़ने का मन नहीं करता। मतलब मुझे लगता है कि मैं बाहर जाऊँ, घूमूं फिरूँ, या फिर आराम से रूम में बैठ के सो जाऊँ। मतलब मुझे ऐसा मौसम बड़ा अच्छा लगता है, मुझे नहीं पढ़ा जाता ऐसे मौसम में। अब देखती हूँ, इसलिए लाइब्रेरी जा रही हूँ, क्योंकि रूम पे रहती तो मैंने सोना ही था। तो जाती हूँ लाइब्रेरी और पढ़ती हूँ थोड़ा, और अगर कोई साथ चलेगा तो शायद मैं बाहर घूमने चली जाऊँ। अकेले कहाँ जाऊँगी, इधर कुछ है भी नहीं, थोड़ा दूर है ना यहाँ से मार्केट। तो अगर कोई साथ जाएगा तो उसके साथ जाऊँगी, नहीं तो फिर चुपचाप बैठ के पढ़ाई करूँगी। तो गाइस, जा रही हूँ मैं अभी नेहा और हेमंत दी के साथ, फिर बारिश का एंजॉय करते करते चलते हैं। देखो इधर बच्चों की स्कूल बस हो गई है खराब, अब बच्चों के हो गए हैं मजे, क्योंकि बस आनी नहीं है तो उनने स्कूल जाना नहीं है। वाओ, बारिश के मजे। बारिश हो रही है ना तो मंकी को देखो कितना प्रॉब्लम होता है, वो पूरी फैमिली इकट्ठी बैठी हुई है उधर। दिखाती हूँ देखो, ये पूरी फैमिली इधर बैठी हुई है, बारिश हो रही है, एक तो ऊपर ही चढ़ गया। चलो आज है ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल नजारे। गाइस मौसम देखो कितना अच्छा हो रहा है, बादल देखो, देखो सामने बारिश हो रही है और धुआं भी निकल रहा है। ये सारे बादल नीचे आ गए थे सारे। हाँ ये सारे बादल आ गए हैं सामने, वो वाले बादल तो उड़ भी रहे हैं। गाइस देखो अभी मुझे क्या मिला, जामुन। ये इन्होंने तोड़वाया है, ये सब मेरी मेहनत। हाँ ये इनकी मेहनत है, इन्होंने तोड़वाया है। मेरी मेहनत है लेके आई टू माई डियर मोनिका, सॉरी फॉर माई डियर मोनिका। मेरी अंग्रेजी को थोड़ा स्किप कर देना, कर दिया। थैंक यू, मेरी परफॉर्मेंस की बहुत अच्छी लग रही है यार, अच्छी लग रही ना। वीडियो अपलोड हो गई, मैं ऐसे नहीं बनाती। देखो अपलोड होगी ना तो लाइक करना, इतनी प्यारी लग रही हूँ मैं। हाँ ये अच्छी लग रही है, इनके लिए प्लीज लाइक कर देना। कोई तरीका है भीख मांगने का? काम करने बैठी हूँ बट अभी मन ही नहीं लग रहा है यार पढ़ने में। मौसम बहुत अच्छा हो रहा है ना आज, सोचूं घूमने जाऊं कहीं बाहर। गाइस आज यहाँ हो रही है अच्छी वाली बारिश, काफ़ी ज़्यादा अच्छी वाली। तो अभी मैं और हेमंत भी जा रहे हैं आज बाहर, तो जाएंगे अभी बाहर, वहीं पे जाके लंच करेंगे क्योंकि मौसम बहुत अच्छा हो रहा है। तो यहाँ कैंपस में मैस का खाना खाने का तो बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा, तो अभी जाएंगे बाहर कुछ अच्छा अच्छा सा खा के आएंगे। और गाइस ऑटो आ गया है और अभी हम जा रहे हैं, चलो फिर चलते हैं घूम के आते हैं, कुछ अच्छा खा पी के आते हैं। गाइस आ गई हूँ अभी मैं संजीवनी रेस्टोरेंट में, एज यूजुअल यहीं आती हूँ मैं ज्यादातर, क्योंकि ये पास है ना कैंपस से और तो, इकलौता है यहाँ पर। हाँ इकलौता अच्छा रेस्टोरेंट है और पास भी है कैंपस के, तो जनरली मैं फिर यहीं आ जाती हूँ, और रिजनेबल भी है, काफ़ी बजट फ्रेंडली है। तो अभी मैं आ गई हूँ इधर, सीधी सी बात है, इंजॉय कर रही हूँ बारिश को, और यहाँ से व्यू जो इतना औसम आता है ना, देखो इस व्यू में मैं भी आ रही हूँ। ओवरएक्टिंग करता साला, ओवरएक्टिंग की औलाद। गाइस हो गया हमारा यहाँ फोटोशूट, जितना करना था अभी हम दोनों ने कर लिया। अब हम जाते हैं अंदर, कुछ खाते हैं पीते हैं, फिर आके वापस से फोटोशूट करेंगे, फिर जाएंगे कैंपस के अंदर। वो रहा कैंपस सामने, तो चलो कुछ खाने चलते हैं, पहले पेट पूजा हो जाए फिर बाद में कुछ और काम करेंगे। चलो 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 चले अंदर, चलो चलो। बर्ड्स कितनी प्यारी लग रही हैं।
पता नहीं कितनी देर में आएगा, तब तक वेट करते हैं। आपको लग रही है भूख? बहुत सारी। मेरे को भी लग रही है यार। डांडिया खेल ले से? खेल लो। खेल लिया? डांडिया नहीं यार, यहाँ के लोग मुझे कहेंगे तुम यहाँ डांडिया खेले। आ गया हमारा खाना। तो गाइज हमारे स्प्रिंग रोल्स आ चुके हैं और साथ में है लस्सी और हम हैं तैयार खाने के लिए। तो चलो शुरू करते हैं। ये देखो हेमंत जी ने कलाकारी की है, मुंह बनाया टेडी बियर का। आईब्रोज क्या बना रही हो? आईब्रोज टैलेंट देख रहे हो इनका? ये देखो बस करें। नो मेरा हैप्पी बर्थडे लिखने दो। एच बी और ये हमारा डी। हैप्पी बर्थडे। तो गाइस अब हम जा रहे हैं वापस यूनिवर्सिटी की तरफ, पर पहले हम जाएंगे G2 मार्केट में। क्योंकि किधर जा रही हो? ये मैडम ने अपना छाता घुमा दिया है तो इनके लिए छाता लेना है हेमंदी के लिए। हाँ ये कुड़ी कुड़ी कुड़ी, इन्होंने छाता घुमा दिया इस कुड़ी ने। अभी मैं जा रही हूँ वापस G2 जा रही हूँ अभी तो पहले, क्योंकि हेमंदी ने इन्होंने अपना छाता घुमा दिया है तो इनको पहले अम्ब्रेला दिलाना है, फिर उसके पास जाएंगे हम कैंपस। खाना वाना खा लिया हमने अच्छे से संजीवनी में। हाँ वो एक्सपीरियंस भी अलग ही था, कभी बाद में सुनाऊंगी उसको भी। अभी ये ले रही हैं कुछ कुछ सामान अपने लिए और मैं वेट कर रही हूँ उनका। अब हम जा रहे हैं वापस हॉस्टल की तरफ। पहले लाइब्रेरी जाएंगे, हॉस्टल तो अभी नहीं क्योंकि लैपटॉप वहीं रखा हुआ है। जाएंगे थोड़ा पढ़ेंगे फिर देखते हैं क्या करना है। अगर हम अभी कैंपस में और हम थक चुके हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि बस का वेट किया बट बस मिली नहीं तो हम फिर पैदल पैदल ही निकला है। तो अब जा रहे हैं वापस लाइब्रेरी की तरफ ही। ये सारा सामान वहीं बैग में ही रखूँगी अब, क्योंकि हॉस्टल जाने का टाइम नहीं, तो वहीं बैठ के अब पढ़ूँगी और रात में जाऊँगी। तो गाइस हो गई है आज जितनी होनी थी पढ़ाई उतनी। खूब मस्ती मस्ती भी करती रहती हूँ यार मैं बीच बीच में। तो अब मैं जा रही हूँ वापस से अपने हॉस्टल, शाम के बज रहे हैं 7। तो अब जाती हूँ हॉस्टल में थोड़ा रिलैक्स करती हूँ, क्योंकि फिर 8 बजे आना है शिवालिक हॉस्टल में डिनर करने के लिए। देखो मंकी पता क्या ले रहा है, ये कुछ नहीं मिला इसको डस्टबिन में। ओहो कितने सारे मंकी है इधर। देखो कितने सारे मंकी हैं। तो देखा कितने सारे मंकी रहते हैं मेरे कैंपस में, मतलब मंकी सब रहता है। मंकी भी है यहाँ, एनाकोंडा भी रहता है यहाँ, कोबरा भी रहता है यहाँ पे, मोनिटर लिजार्ड भी रहती है यहाँ, सब रहता है। तूने क्या मेरे को ये ना समझाएगी? तो अभी मैं जाती हूँ यार वापस से हॉस्टल, थक गई हूँ आज, थोड़ा नींद भी आ रही है। तो जाऊँगी थोड़ा सोऊंगी फिर उसके बाद डिनर करने आऊँगी, फिर उसके बाद आज रात में पढ़ना होगा क्योंकि सैटरडे को मुझे प्रेजेंटेशन देनी है सर को। तो अब जब टाइम कम पड़ गया है तो अब मुझे थोड़ा हो रहा है स्ट्रेस, अब मैं थोड़ा पढ़ूंगी फिर प्रेजेंटेशन दूंगी सैटरडे को। ये सनफ्लावर के लिए कहते हैं कि जब ये उगता है तो ये इसकी डायरेक्शन जहाँ से सूरज उग रहा है उस तरफ होती है, और जब डूबता है सूरज तो इस सनफ्लावर की डायरेक्शन उस तरफ होती है। बट यहाँ पे कुछ सनफ्लावर्स के फेस ईस्ट तरफ है, कुछ के वेस्ट की तरफ है, कुछ के नॉर्थ की तरफ है, कुछ के साउथ की तरफ है। सनफ्लावर यहाँ अपनी मर्जी के मालिक है, एनी ड्यूटी छोड़ दी इन्होंने अपनी करनी, कहते हम अपने हिसाब से चलेंगे। देखो कोई सेंस है इस बात की? हमें बहुत लग रही थी उस टाइम।
गाइस देखो रास्ते में मंकी बैठा है, अब मैं कैसे जाऊं? बैठ गया यार ये पसर के, इसको उठना ही नहीं है। गाइस डंडा ले लिया, अब इस मंकी को भगाती हूँ मैं। यार ये अभी भी नहीं भाग रहा। इधर तो नहीं है, वो पूरा मंकी गया उधर, मेरा रूम भी उधर ही है। ये नहीं जा रहा यार ये मंकी। ये नहीं जाएगा, रूम में जाना ना। हाँ चलो आपके रूम में बैठ, दो मिनट खोलो। ये हमने ना एक रूम से जो कर्टन वाली पाइप होती है ना वो निकाल ली, एक खाली रूम पड़ा था उधर से मंकी को भगाने के लिए। चल रख दे। अब हेमंत ही जा रही मेरे को मेरे रूम तक छोड़ने के लिए, क्योंकि आगे मंकी है। चलो चले गए क्या यार, ऐसे ही लग रहा चले गए। चले गए शायद, ठीक है। ओ देखो वो, देखो वो बैठे हैं मंकी, दो ठुका है। हाँ एक वो दीवार से छुपा हुआ बैठा है, एक ये बैठा है, और ये रहा मेरा रूम। चलो यार खोलो। यार मुझे फेस वॉश करने जाना है, मंकी अभी भी बैठे हैं तो सारे, कैसे जाऊँ उधर ही है। तो गाइज अभी मैं जा रही हूँ वॉक करने के लिए, आ रही हूँ हेमंत भी उधर पीछे, और मैंने ये टिफ़िन रखा है डॉग्स के लिए, रोटी लेके आऊँगी मैस से, क्योंकि कल पता है मतलब परसों ना मैंने एक डॉग को ब्रेड डाली थी रात में, तो वो कल मेरे रूम के बाहर आके बैठ गया, और लकीली उस टाइम पे ब्रेड दो बची हुई थी मेरे पास, दो पीसेस, तो फिर मैंने उसको वो डाला। अब मुझे डाउट है कि हो सकता है वो आज भी आए खाना लेने के लिए, क्योंकि भूखा रहते हैं ना यहाँ डॉग्स, तो आज भी शायद वो आए, तो मैं ये टिफ़िन लेके जा रही हूँ। चल है सच्ची, खाना हाँ मत खाना, लेके आएंगे ना डॉग के लिए, तो खाएंगे ना। मुझे भी ज्यादा भूख नहीं है, बस देखूंगी कुछ अच्छा होगा तो थोड़ा सा खाऊंगी फिर आ जाऊंगी, नहीं तो। गाइस हमने ली है अभी आइसक्रीम, और यार आसमान में वो देखो आप कितने ब्यूटीफुल कलर्स हैं अभी स्काई में। आपको पता है ये मौसम अभी कितने बजे का है, अभी हो रहे हैं 8:15 रात के, अभी भी आसमान में देखो कितना रोशनी है, यहाँ ब्लू वहाँ ऑरेंज वहाँ। गाइस ले ली है चपाती डॉग के लिए मैंने, देखती हूँ आज वो आएगा या नहीं डॉग, अभी फ़िलहाल खाना नहीं खाया है तो मैं अकेले ही जा रही हूँ अभी तो फ़िलहाल रोड पे, बाकी लोग खाना खा रहे हैं तो मैं जा रही हूँ हॉस्टल। सामने से गड्डी आ रही है, लाइट मार रही है आँखों पे, क्या करूँ मैं मर जाऊँ। खा रहा है अभी,